We'll take more examples for the Turing machines. Let's say the languages WC, W reverse, this is the language, and where W contains the elements A and B only. So let's say मेरे पास एक स्ट्रिंग है डब्ल्यू ए बी और ये डब्ल्यू है, सो जो डब्ल्यू रिवर्स होगा वो भी यही होगा ए बी ए। और इसके बाद अगर हमें जो स्ट्रिंग है या जो लैंग्वेज है वो डब्ल्यू सी डब्ल्यू रिवर्स टाइप की है, इसका मतलब मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी ए बी ए लास्ट में सी एंड देन ए बी ए। सो ये भी एक पैलिंड्रोम है, ये स्पेशल टाइप का पैलिंड्रोम है जिसमें कि सेपरेटर सी डिसाइडेड है। सो मेरा क्या काम होगा कि मैं ए को ए से कंपेयर करूंगा, फर्स्ट ए को लास्ट ए से, देन फर्स्ट बी को लास्ट बी से कंपेयर करूंगा, देन ए को ए से कंपेयर करूंगा। ए को ए से कंपेयर करने के बाद आगे जाएंगे और मुझे सी मिलेगा। तो इस सी के मिलने का मतलब क्या है कि ये ऑड पैलिंड्रोम होगा, लेकिन मुझे ये वेरीफाई करना होगा कि जो सी के राइट में वो ब्लैंक्स होने चाहिए और सी के लेफ्ट में तो ब्लैंक हो गई। हम कन्वर्जन ऐसे कर रहे होंगे, लास्ट क्वेश्चन आई होप आपने मेरा सोल्यूशन देख लिया है कि कन्वर्जन या मैचिंग जो है ब्लैंक्स मैचिंग कराने के बाद ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सो ये ब्लैंक हो जाएगा, ये भी ब्लैंक हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा और ये ए भी ब्लैंक हो जाएगा। तो जैसे ही मुझे सी मिलेगा मैं राइट में बस चेक कर लूंगा कि अगर राइट में ब्लैंक है तो इसका मतलब ये ऑड पैलिंड्रोम है जिसमें कि सेपरेटर सी है। स्टार्ट करते हैं इसका ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना। इसके लिए फिर से ये स्ट्रिंग को मैं टेप में ले लेता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास है ए बी ए देन फॉलोड बाय सी एंड देन ए बी ए, इसके बाद ब्लैंक्स है और इसके राइट में भी ब्लैंक्स है। सो वी आर एट दिस पोजिशन, इस ए को मैं ब्लैंक में कन्वर्ट करके राइट की तरफ मूव करूंगा। मुझे ए मिला, मैं ब्लैंक में कन्वर्ट करके इसको राइट की तरफ मूव करता हूँ। रास्ते में जितने भी ए या बी मिलेंगे मैं उसको स्किप करते करते आगे की तरफ जाऊंगा और ब्लैंक तक पहुंचूंगा। इसको स्किप किया, इसको स्किप किया, सबको स्किप करते करते हम ब्लैंक पर पहुंचते हैं। जैसे हम ब्लैंक पर पहुंचेंगे इसको ब्लैंक छोड़ के लेफ्ट में मूव करेंगे, और अगर ये वाला कैरेक्टर ए है तो उसको हम ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स से वी आर एट Q3 स्टेज। इस ए को हमने बी में ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया और लेफ्ट की तरफ मूव किया। सो मूव ऑल दी लोकेशंस। सो मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट में जितने भी ए या बी मिलेंगे मैं उनको स्किप करते करते लेफ्ट की तरफ आऊंगा और ब्लैंक तक पहुंचूंगा। सो अगर मुझे रास्ते में ए मिला तो मैंने उसको स्किप किया, लेफ्ट में आए, बी मिला उसको भी छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ आए, जैसे ही ब्लैंक मुझे मिला उस ब्लैंक को ब्लैंक में छोड़ के वापस Q0 स्टेट में आ गए। सो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ा और राइट की तरफ मूव किया। सो वी आर एट सेकेंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट। सो वी आर एट द सेकेंड सिंबल एट द ब्लैंक। इस ये बी है, इस बी को हम ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए दूसरा डायरेक्शन बना लेते हैं। मुझे बी मिला, मैंने उसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया और राइट की तरफ चले। लेट्स से आपको जो फोर स्टेट में रास्ते में जितने भी ए मिलेंगे उसको मैं ए छोड़ते हुए राइट में जाऊंगा, बी को बी छोड़ते हुए मैं राइट में जाऊंगा, ब्लैंक तक पहुंचूंगा। जैसे ही मुझे ब्लैंक मिलेगा मैं उसको ब्लैंक छोड़ के लेफ्ट की तरफ आऊंगा। सो राइट में ए छोड़ा, सी छोड़ा, पचा ये सी हमने नहीं इंक्लूड किया, ए और बी को तो हमने स्किप किया ही, सी को भी मुझे स्किप करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी सी को भी स्किप करते करते राइट की तरफ जाना है। जब आप लेफ्ट भी आ रहे हैं तो उस समय भी मुझे इंश्योर करना है कि रास्ते में सी मिलेगा उसको छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ आना है। सो अभी मुझे बी मिला है, मैंने उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करके आगे गए, ब्लैंक तक पहुंचे और यहाँ तक आप पहुंच गए। इसके पीछे आते हैं, इसके पीछे वाला सिंबल भी बी है, इसको भी आप ब्लैंक पर कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज Q5 स्टेट, इसमें आप कह रहे हैं कि इसके बाद आपको स्मॉल बी मिला, आपने उसको ब्लैंक में छोड़ा और आप लेफ्ट की तरफ आ गए। तो लेफ्ट में मुझे ए मिलेगा, सी मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, मैं इसको सबको छोड़ते छोड़ते पीछे की तरफ आता हूँ। मैं Q3 स्टेट में हूँ और ब्लैंक तक पहुंचता हूँ। जैसे आपको ब्लैंक मिलेगा उसको ब्लैंक छोड़ के आप राइट में जाएंगे। तो करंट सिनेरियो टेप की मेरी क्या है, जो करंट सिनेरियो है इसमें मैंने बी को कन्वर्ट करके मैं यहाँ पर पहुंच गया। मैं
और ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैंने राइट की तरफ मूव कर लिया। सो नाउ वी आर एट दी ए, इस ए को मतलब Q0 स्टेट में इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करके राइट की तरफ जाएंगे। ए बी सी को छोड़ते छोड़ते आगे जाएंगे, जैसे ये वाला ब्लैंक मिलेगा इसको छोड़ के हम पीछे आएंगे, इसका मतलब कि आप Q2 स्टेट में। ये सिंबल भी ए सिंबल है इसलिए इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे और पीछे आएंगे। जितने ए मिलेंगे छोड़ देंगे, बी मिलेंगे छोड़ देंगे, सी मिलेगा छोड़ देंगे और ब्लैंक पे पहुंचेंगे। तो वी आर एट द Q3 स्टेट और ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट की तरफ जाना है। जब आप ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट की तरफ जा रहे हैं तो आपको ना ए मिल रहा है ना बी मिल रहा है, बल्कि आपको सी मिल रहा है। इस सी के मिलने का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे सिंबल्स हैं उसको तो मैंने ब्लैंक पर कन्वर्ट कर दिया। एक बार बस आप राइट के लिए इंश्योर कर लीजिए, तो मुझे सी मिला है, मैं इसको सी ही छोड़ रहा हूँ और राइट की तरफ चल रहा हूँ। जैसे आपको Q6 स्टेट पे है और आपने देखा कि इस सी के ठीक बाद ब्लैंक है, इस सी के ठीक बाद ब्लैंक है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम ही है, और पैलिंड्रोम इसको ब्लैंक को ब्लैंक के छोड़ के राइट की तरफ जाइए। लेट्स से आप Q7 स्टेट में हैं एंड दिस Q7 स्टेट इज द फाइनल स्टेट। सो दिस वे वी हैव डिजाइन द ट्यूरिंग मशीन फॉर द गिवन स्ट्रिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स।